हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिलबोर्ड ऑन द टॉपिक हेल्दी फूड। थिंग्स यू रिक्वायर्ड आई ऑलरेडी मेंशनड, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे लिए A3 साइज की एक शीट, उसके मैंने बॉर्डर्स बनाए हैं। सबसे पहले ब्लैक मार्कर से स्केल से मैंने बॉर्डर्स बना लिए थे और उसके बाद मैंने ग्लिटर पेन की हेल्प से पूरे बॉर्डर्स में सर्कल क्रिएट कर लिए थे। आप चाहे इस बॉर्डर को आराम से स्केच पेन के थ्रू भी रेडी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि मेटलिक पेन या फिर ग्लिटर पेन ही होने चाहिए। उसके बाद हम हेडिंग लिखने के लिए स्केल की हेल्प से लाइन खींच लेंगे और उसके ऊपर ऑरेंज कलर की शीट मैंने लगा ली थी। और इस टाइप के स्टिकर्स आप रीयूज़ कर करके बहुत सारे वर्ड्स या अल्फ़ाबेट को क्रिएट कर सकते हो। तो इन स्टिकर की हेल्प से मैंने कैप्शन लिख लिया था जो था हेल्दी फूड। तो ये हमारा कैप्शन हो चुका है रेडी। अब हम इसको पेस्ट कर लेंगे अपनी A3 साइज़ की शीट के ऊपर विद द हेल्प ऑफ फेविकॉल। एंड आफ्टर दैट हम सारे पॉइंट्स लिखेंगे। इसके अंदर मैंने 5 to 6 पॉइंट्स ऐड करे हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप वहां से सेम टू सेम एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने हेडिंग के ऊपर छोटे छोटे डैश वाला डिज़ाइन बना लिया था जिसकी मैंने क्लोजअप से भी शूट करके आपको दिखा दिया है। तो आई होप सो आपको ये डिज़ाइन क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम नंबरिंग लिख लेंगे और नंबरिंग के लिए यहाँ पे मैंने ब्लैक पेन का यूज़ किया था और उसके बाद मैंने स्केच पेन से सारी हेल्दी हैबिट्स लिख ली थी, जैसे कि डेली एक्सरसाइज, रीड बिफोर यू स्लीप, हेल्दी मील्स, डू मेडिटेशन डेली, 8 hours ऑफ स्लीप एंड ब्रश योर टीथ। और उसके बाद हमने एक अच्छा सा इसके अंदर स्लोगन भी लिख लिया था एंड द स्लोगन इज़ हेल्दी फूड फॉर वेल्दी मूड। सो इसके बाद हम एक्स्ट्रा जो भी हमारा एक्स्ट्रा पेंसिल से लिखा हुआ चीज़ें थी वो सब मिटा लेंगे और इसके ऊपर छोटी छोटी फोटोज़ दिखा देंगे जो कि हेल्दी हैबिट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब जब हमारा इतना डिज़ाइन बनके हो जाएगा रेडी, हम एक कार्डबोर्ड लेंगे। कार्डबोर्ड को कट करने के बाद जो हमने डिज़ाइन रेडी किया था बिलबोर्ड का, वो इसके ऊपर हम पेस्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ फेविकॉल और ग्लूगन। अब इस बिलबोर्ड के नीचे हमें एक पतला सा स्केल टाइप का एक बोर्ड लगाना था, तो मैंने एक कलर्ड कार्डबोर्ड ले लिया था और उसको मैंने बीच में से कट करते हुए उसके बीच में फेविकॉल लगाने के बाद दोनों जो कार्डबोर्ड्स थे मैंने जो रेडी करे हुए थे उसको आपस में हम पेस्ट कर लेंगे और उसको हम लगा लेंगे बिलबोर्ड के पीछे, तभी ये बिलबोर्ड बनेगा, अदरवाइज़ ये कार्डबोर्ड का ही वर्क करेगा। तो यहाँ पे हमारा बिलबोर्ड हो चुका है रेडी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को फॉर न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।